दूब घास के औषधीय गुण। दूर्वा यानी दूब यह एक तरह की घास होती है जो गणेश पूजन में जरूर चढ़ाई जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अनलासुर नाम का एक दैत्य था। श्री गणेश ने अनलासुर को निगल लिया, तब उनके पेट में बहुत जलन होने लगी। इस परेशानी से निपटने के लिए कई प्रकार के उपाय करने के बाद भी जब गणेश जी के पेट की जलन शांत नहीं हुई, तब कश्यप ऋषि ने दूर्वा की 21 गांठें बनाकर श्री गणेश को खाने को दी। यह दूर्वा श्री गणेश जी ने ग्रहण की, तब कहीं जाकर उनके पेट की जलन शांत हुई। ऐसा माना जाता है कि श्री गणेश को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा तभी से आरंभ हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पवित्र घास गणेश जी को चढ़ाने के अलावा आयुर्वेद में इसका उल्लेख औषधि की तरह किया गया है, जो बड़े से बड़े रोगों की जड़ को काटती है। औषधि प्रयोग। दूब घास मधुमेह रोगी के लिए बहुत लाभदायक होती है। हर्बल जानकारों के अनुसार करीब 10 ग्राम ताजी दूब घास एकत्रित करके उसे पानी में उबाल ले, फिर छानकर ठंडा करके खाली पेट सेवन करके मधुमेह बहुत हद तक नियंत्रित रहेगी। दूब के काढ़े से कुल्ले करने से मुंह के छाले मिट जाते हैं। इसे पीने से अनीमिया ठीक हो जाता है। इस पर नंगे पैर चलने से नेत्र ज्योति बढ़ती है, जिससे लोगों को कम क्षमता वाले चश्मा लगने लगे। माइग्रेन रोग दूर होता है। दूब दांतों का दर्द पित्त की गर्मी के लिए लाभदायक है। इसका लेप लगाने से खुजली शांत हो जाती है। दूर्वा घास में रोगाणुरोधी बीमारी को रोकने की गुण होने के कारण यह शरीर के किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। दूर्वा के प्रयोग से स्त्रियों के स्वास्थ्य संबंधी कई समस्या जैसे सफेद यौन स्राव, बवासीर आदि से राहत मिलती है। इसीलिए दही के साथ दूर्वा घास को मिलाकर सेवन करते हैं। महिलाओं में जो माँ बच्चों को दूध पिला रही है, उनके लिए लाभकारी है, क्योंकि प्रोलेक्टिन हार्मोन को उन्नत करने में भी मदद करती है। दूर्वा घास के लगातार सेवन से पेट की बीमारी को खतरा कुछ हद तक कम होने के साथ पाचन शक्ति भी बढ़ती है। यह कब्ज एसिडिटी से राहत दिलाने में मदद करती है। यह सर्दी, खांसी एवं कफ विकारों को समाप्त करने में सहायक है। दूर्वा मसूड़ों से रक्त बहने और मुंह से दुर्गंध निकलने की समस्या पायरिया से राहत दिलाती है। दूर्वा घास त्वचा संबंधी बीमारियों में भी सहायक होती है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजन और जलन को कम करने वाला एंटीसेप्टिक गुण होने के कारण त्वचा संबंधी कई समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करती है। दूर्वा घास को हल्दी के साथ पीसकर पेस्ट बनाकर त्वचा के ऊपर लगाने से त्वचा संबंधी कुछ समस्याओं से राहत मिलती है। कुष्ठ रोग और खुजली जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में सहायता करती है। दूर्वा रक्त को शुद्ध करती है एवं लाल रक्त कणिकाओं को बढ़ाने में भी मदद करती है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है और हृदय को मजबूती प्रदान करती है। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन फॉर अपडेट। थैंक यू।